फैशन इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्मों के बायकॉट पर उनका अपना कोई व्यू नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़ती जाए, क्योंकि पैंडमिक का इंडस्ट्री पर जो असर पड़ा है उससे बाहर निकलें और सफलता पाएं, क्योंकि फिल्मों की वजह से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और डाउन द चेन जो आपको थिएटर में पॉपकॉर्न देता है, टिकट बेचता है या फिर जो स्पोर्ट्स बॉयज़ हैं, सिनेमा वाले हैं, उन सबको उनकी पेमेंट मिलती है जिसकी वजह से उनका घर चलता है। वो तो यही चाहेंगे कि इंडस्ट्री को और बढ़ावा करें, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं उनको फ़ायदा हो। दरअसल तुषार कपूर से फिल्मों का चल रहे बायकॉट पर सवाल किया गया था, जिससे बचते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की से जोड़ दिया और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री चलेगी तो बहुत सारे लोगों का घर चलेगा। वहीं कोरोना काल के बाद आज फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति पर पूछे गए सवाल पर तुषार कपूर ने कहा कि कोरोना के समय इंडस्ट्री रुकी नहीं, हम लोगों ने कोरोना के समय घर पर भी काम किया और फिर लॉकडाउन खुलने के बाद डबिंग, एक्टिंग सहित सभी काम शुरू हो गए। तुषार कपूर आज मुरादाबाद में आयोजित एक फैशन शो में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुरादाबाद आया हूँ, पहली बार आया हूँ और NUFW रनवे शो के लिए एज अ चीफ गेस्ट आया हूँ मैं। तो ये शो जो है ये बहुत सारे आर्टिस्ट को जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट हो या स्टाइलिस्ट हो या डिज़ाइनर्स हो, उन सबको फिर फेलिसिटेट किया जाने वाला है आज रात को। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो प्रोत्साहन देंगे इन टैलेंटेड लोगों को, उससे जो हमारी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री है या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बहुत इजाफा मिलेगा इसे, खासकर इस पैंडमिक के बाद। तो आई थिंक एक पुश हमारी इंडस्ट्री को देना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट NUFW रनवे शो फॉर डूइंग सच अ गुड इवेंट। 360 प्रोडक्शन हाउस के लेजेंड मोहित अरोड़ा क्या कह रहे हैं, 10 साल से लगातार इस फिल्म में जो नए यंग मॉडल्स हैं उनको आगे मौका देते हैं, उसकी इच्छा को आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अरोड़ा, बिकॉज ये इनिशिएटिव उनका है और इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। बट उससे ज़्यादा मैं इस वक्त तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं पहली बार आऊँगा आज रात यहाँ, तो मैं भी पहली बार ही देखूँगा इस शो को। मैंने तो सुना है इसके बारे में, लेकिन खुद देखकर पता चलेगा कितना बढ़िया है, कितना मतलब करते आ रहे हैं ये 10 सालों से। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। सर जी, कोरोना के टाइम इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है कोरोना के टाइम? कोरोना के टाइम से आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री तो रुकी नहीं, हम काम कर रहे थे, कोरोना के टाइम पे भी काम कर रहे थे, घर से काम कर रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो हम शूटिंग भी करने लग गए, डबिंग भी करने लग गए, फिल्म भी रिलीज़ होने लग गई। पिछले ये 1.5-2 सालों से OTT पे लग रही थी, फिर थिएटर पर, तो थिएटर में लगने लगी। तो बॉलीवुड की तरफ से अगर बात करूँ तो आई विल ऑलवेज से कि द शो मस्ट गो ऑन एंड बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स। कोई सर आने वाली फिल्म जो जिसके लिए कोई गोलमाल के फिल्म के आपके दीवाने हैं सारे दर्शक, तो कोई आने वाली फिल्म जिसके लिए कोई मैसेज आपका सर? बस एक ही फिल्म मेरी, एक थ्रिलर फिल्म है जिसको मैं अनाउंस करूँगा अभी कुछ ही हफ्तों में, बट वो मेरी अगली फिल्म होगी जो कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली है। तो उसके बारे में तब बात करना बेटर होगा जब मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आई थिंक उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दे पाऊँगा। तुषार जी, आप बॉलीवुड से आते हैं, एक बायकॉट चल रहा है फिल्मों का, किस तरह देखते हैं आपका क्या अपना व्यू? मेरा वैसे कोई व्यू नहीं है अभी, क्योंकि मैं बस यही, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जाए और इस पैंडमिक का जो असर पड़ा है हमारी इंडस्ट्री पर उससे बाहर निकले और सफलता पाए, क्योंकि फिल्मों की वजह से ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स, लेकिन डाउन द चेन जो आपके थिएटर में आपको पॉपकॉर्न देता है या टिकट बेचता है या फिर जो एग्जिबिटर्स हैं हमारे सिनेमा वाले या फिर जो स्पॉट बॉयज़ हैं, उन सबको मतलब उनकी पेमेंट मिलती है, उनके काम की वजह से उनका घर चलता है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री और बढ़ावा करे और तरक्की करे, ताकि ना सिर्फ एक्टरों को और प्रोड्यूसरों को और डायरेक्टर को, लेकिन इन सभी लोगों को जो डिपेंड करते हैं हमारी इंडस्ट्री पर, उन सबको फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।